Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. So guys, this is going to be my first ever vlog on my YouTube channel. I hope कि आप सबको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ये वीडियो रमज़ान से एक रात पहले की है. मेरी अम्मी के साथ मेरा काफ़ी अरसे से प्लान बन रहा था कि हम हवेली रेस्टोरेंट जाएंगे. सो हवेली रेस्टोरेंट की एंट्रेंस बादशाही मस्जिद से होकर गुजरती है, और इसके शुरू में कुछ ये क्यूट सी शॉप्स हैं जिस यहाँ पर आपको ज्वेलरी, एंटीक पीसेस, इसके अलावा डेकोरेशन के पीसेस, इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल चप्पलें, ट्रेडिशनल कैप्स, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी. ये सेल करने के लिए सब कुछ. ये वाला देखो, ये किस प्राइस में है? ये मैडम जी 4000 रुपये. इसके अलावा ये वाला भी? ये 3000 रुपये. अच्छा, सिंगल सिंगल है जी? जी. ये तांबे की है. यार ये कितना क्यूट है. तो ये वाला हम सबको बहुत पसंद आया था, और इसकी प्राइस भी काफी रीजनेबल थी. ये क्या है? इसके अंदर ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, है ना? वही है ना? इसके अंदर क्या? इसके अंदर भी तो इस शॉप में मैं यहाँ पर ज्वेलरी चेक कर रही थी, और ये कंगन मुझे बहुत प्यारे लगे थे, एंड द प्राइस वाज क्वाइट रीजनेबल. 300 रुपीज़ के ये थे. और इसके अलावा यहाँ पर तमाम जितनी भी ज्वेलरी थी काफ़ी ट्रेडिशनल कबायली स्टाइल की थी, और ये आप कैप्स देख सकते हो. सो द शॉप कीपर आस्क्ड मी कि आप वीडियो बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये स्नैपचैट स्टोरी बनाई थी. सो इस शॉप से निकलने के बाद थोड़ा सा ही आगे एक स्टॉल था, यहाँ पर मेहंदी के छापे लग रहे थे जो कभी मैंने बचपन में लगवाए थे. I would say ये वाला लगा दो. एंड बारीकी पे आगे हुआ है, सिंगल टिकी पीछे पीछे ये पीछे नहीं लगेगा. इसे लगा हाथ पर टाइट होना है, हथेली में गहराई है. इसे लगा फिंगर्स बोले ना. और ये मेरी बहन ने अपने हाथों पर बनवाया था. इसका रंग वैसा नहीं था जैसा कि बचपन में हम लगवाया करते थे, एंड द रीज़न निकल वाली नहीं थी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जस्ट रेस्टोरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए थी. इट वॉज लाइक कि जैसे मैं किसी मेले पर आई हूँ. कितने का है? सो फिर यहाँ से मैंने कॉटन कैंडी ली. सो आई वॉज ऑन माई वे टू हवेली रेस्टोरेंट कि थोड़ा सा ही और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा और स्टॉल नज़र आया. एंड अपॉन आस्किंग शी टोल्ड मी कि अकबर बादशाह की स्टोरी रिप्रेजेंट करेंगी वो विद दीज टोल्स इन 300 रुपीज़. अच्छा, ये अकबर बादशाह की जो कहानी है ना, 300 में वो सुनाएंगे. सो फाइनली वी आर एंट्रिंग टू हवेली रेस्टोरेंट जिसके लिए हम आए थे. दिन के वक्त मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन इस तरह का एनवायरनमेंट और एम्बियंस नहीं होता जिस तरह का आपको यहाँ पर रात को देखने का मिलेगा. लाइटनिंग और एवरीथिंग इज़ सो कूल एंड डिफरेंट एज वेल. तो ये हवेली रेस्टोरेंट के रूफ टॉप से इस तरह का व्यू है. बादशाही मस्जिद बिल्कुल क्लोज होती है इस टाइम पे, यहाँ पर एंट्री नहीं होती क्योंकि रात का टाइम है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर लाइटनिंग होती है, और आप रूफ टॉप से ये तकरीबन सारा बादशाही मस्जिद का
नज़ारा देख सकते हो। इसके बाद मैंने कुछ खाने को ऑर्डर कर लिया एंड फूड वाज डिलीशियस एज वेल। क्योंकि अम्मी मेरे साथ आई थी और उनकी फरमाइश पर पुराना गाना उन्होंने सुना। अब हम डाउनस्टेयर्स जा रहे थे वापसी की तरफ। डाउनस्टेयर्स आने के बाद यहाँ पर आपको एक गैलरी नज़र आएगी जहाँ पर आपको यहाँ तमाम सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स जो हवेली रेस्टोरेंट आए हैं वो नज़र आएंगी। और इसके अलावा ये एक गैलरी है जो एक इट इज़ क्वाइट ए स्मॉल म्यूज़ियम जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के एंटीक्स नज़र आएंगे। आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस और यहाँ पिक्चर्स ले रहे थे। और यहाँ से निकलने के बाद इसके एडजेसेंट में कोकोज डेन है, वहाँ रूफ टॉप पर चाय पीने का प्लान बन गया। एंड इट वाज देयर किचन, आई आस्क्ड फॉर देयर परमिशन कि मैं वीडियो बना लूँ एंड देवर टू गुड के देवर ऑल जस्ट केम आउट और मैंने वीडियो बनाई। बट एवरीथिंग वाज जस्ट रैपिंग अप क्योंकि 11 बज रहे थे, 11:30 पर लाहौर में सब वैसे ही बंद हो जाता है एज़ यू कैन सी कि सब रैपअप हो ही रहा है। तो हम जल्दी जल्दी रूफ टॉप पर चले गए। और यहाँ का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत था, लाइट सा म्यूज़िक लगा हुआ था, खूबसूरत सी हवा चल रही थी और सामने बादशाही मस्जिद का नज़ारा। और इसके बाद हमने मटका चाय पी जो बहुत ही मज़े की थी। और चाय लेके हम डाउनस्टेयर्स आ गए और यहाँ पर आई गेस कोई फेयरवेल था और सब स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हुए थे। अम्मी ने कहा कि मैंने डांस देखना है, रुको। तो बस अब हम जाने ही लगे थे कि अम्मी को ये एक और स्टॉल नज़र आया और उनको याद आया कि वो खेला करती थी एंड शी वॉज रियली गुड इन दैट। उनका नशाना भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये था मेरा व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय।